और एक्सेलेटर के बिना छोड़िए, हाँ सेल्फ में भी एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं। और एकदम स्लोली स्लोली छोड़िए, हाँ एकदम स्लोली छोड़िए गाइस। This is the first time my dad is riding. अभी तक क्या सीन था कि पापा आगे बैठते थे और मैं पीछे बैठता था। जब ये बचपन की बात थी बेसिकली, जब मैं मतलब बेसिकली बच्चा था, और अब ये दिन आई है कि मेरी मतलब सेल्फ अर्न्ड गाड़ी को पापा चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। तो जस्ट हैव अ लुक अराउंड हाउ इज राइडिंग फर्स्ट एम्बुलेंस। यस बोलिए। और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि द फर्स्ट बाइक विच हैज बीन परचेज बाय माय सन इज ऑफ 10 लाख रुपीज, दैट इज मोर देन 10 लाख। इट इज हार्ली डेविडसन। सो वाओ, इट इज द प्रीशियस मोमेंट एंड गोल्डन मोमेंट ऑफ माय लाइफ। क्या बात है। तो जस्ट हैव अ लुक हाउ इज राइडिंग। हाँ अभी मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। पापा थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, हाउ इज दिस बाइक डिफरेंट फ्रॉम द अदर बाइक, कुछ बोलेंगे पापा? ऑफ कोर्स। क्या अलग है? ये तो ऑलमोस्ट 800 cc की गाड़ी है। हाँ। और ये जिंदगी में मैंने पहली बार इतना महंगा बाइक चलाया, वो भी भारतवर्ष के आर्थिक सिटी मुंबई। क्या बात है। बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ मैं ये गाड़ी अपने बेटे के द्वारा खरीदे गए गाड़ी पर अपने बेटे को कंधे पर लेके चल रहा हूँ। दिस इज द तो ये गाड़ी अभी बाकी बाइक से अलग कैसे, बुलेट से अलग कैसे, ये बताइए। जैसे अभी हमारा पुराना बाइक इज रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। इस गाड़ी का HP ज़्यादा है, हॉर्स पावर ज़्यादा है, पिकअप ज़्यादा है, वायलेंस ज़्यादा है। इसका एक एक चक्का देखते तो लगता है मेरे जीवन का जो पहला कार था उसके चक्के के बराबर है। क्या बात। दीज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात है कि मेरे बेटे ने ऐसा सोचा कि मैं गाड़ी भी खरीदूँ, बाइक तो शुरुआती 10 लाख से शुरू करूँ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। कोई नहीं सोच सकता है कि मैं 10 लाख का बाइक खरीदूँ, 10 लाख को बैंक में रख देगा, उसका इंटरेस्ट खाएगा या और कुछ करेगा, लेकिन ऐसा सोच है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी आदमी का बच्चा 10 लाख का बाइक खरीदे और उस बाइक को मैं चला रहा हूँ, ज़रा देखिए, ज़रा हैंडल वंडल दिखाओ भाई, सही बाइक चला रहे कि नहीं। अरे सही में चल रहा है ब्रो, हार्ली नहीं दिखाओगा आ जाए भाई। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द बाइक। सो ही इज़ द पर्सन, और पीछे जो काली कार है दैट इज़ द कार। और वी केम फ्रॉम बिहार टू महाराष्ट्र, दैट इज़ बांका। हम लोग बांका से, हाँ हाँ, तो इको स्पोर्ट से। सो बिहार से महाराष्ट्र तक, यानी बांका मेरा नेटिव प्लेस है, वेयर आई ग्रोन अप, वहाँ से महाराष्ट्र मुंबई वेयर आई स्टे। एंड वी ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर इन हाउ मेनी आवर्स? 33 आवर्स। ओनली 33 आवर्स। कितने जगह हम लोगों ने हॉल्ट लिया? दो तीन जगह।
दो तीन जगह, एक जगह मोटा मोटी आधा घंटे का, बाकी सब जगह जस्ट मतलब पानी, चाय पानी वगैरह वगैरह। तो जस्ट वन मेजर हॉल्ट इट वॉज, एंड इट वॉज लाइक पापा को लगता था कि हम लोग रात में रुकेंगे किसी होटल में, आराम करेंगे या ऐसा कुछ। ये वॉज लाइक जब हम लोग बिहार से निकले तो ये वॉज लाइक बनारस में रुकते हैं, गंगा स्नान वगैरह करके अगले दिन निकलेंगे। बट पापा वॉज मेरे बाजू में, मैंने बोला इनको कि आप सो जाइए, और जब ये सुबह उठे तो कहाँ मिले हम लोग, आगे निकल गए। सो बेसिकली नॉन स्टॉप राइड, एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द व्लॉग सिस्टम एंड ऑल, अदरवाइज वो व्लॉग तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता, एंड वो मेरे ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी है। सबसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सफ़र किया, वो भी मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, एंड दिस इज़ द कार, यू कैन सी इट इज़ गिफ्टेड बाई माई डैड टू मी। तो बस अभी मैंने तो बाइक खुद के लिए लिया है, वो देखो उधर है, दैट्स द वन। लेकिन मैं भी कभी गिफ्ट कर पाऊँ तो बड़ी बात होगी ना। तो इट इज़ सेड कि बाप हमेशा बाप रहता है, तो ये हमेशा मतलब अलग ही है। तो लेट्स सी व्हेन आई बिकम केपेबल टू गिफ्ट हिम वन BMW, होपफुली वेरी सून, मे बी 3-5 साल में। क्या हो गया? अरे अरे तो या सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। अभी टुडे माय डैड इज़ गोइंग अलॉन्ग विथ मम्मी। तो यस, दिस वॉज स्मॉल व्लॉग फॉर यू गाइज, वेयर डैड रोड माई बाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आपने राइड कर लिया, और एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा भी हो गई कि मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा राइड जो मैंने व्लॉग नहीं कर पाया। सो दैट्स वाई इस व्लॉग का स्लोगन है, तो दैट्स वाई इस व्लॉग का नाम मैंने रखा है कि 2000 किलोमीटर इन 33 आवर्स। सो अप्रॉक्सीमेटली क्या एवरेज निकल रहा है गाड़ी का रफ्तार, रफली लेट्स सी पापा का मैथ्स कैसा है। आई एम तो वेरी मच डम्ब इन मैथ्स, दिस इज 110% श्योर। सो अब एवरेज जो भी निकल रहा है वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता। सो दैट वाज माय फर्स्ट राइड, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग द व्लॉगिंग, आई विल बी ही स्टार्टेड द कैलकुलेशन नाउ आई विल बी स्टार्टिंग द व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग करूँगा, कार व्लॉगिंग भी करूँगा, जिसमें आप प्लान किया आई विल बी गोइंग बेंगलोर, आई विल बी गोइंग हैदराबाद, अभी प्लान नहीं है, बेंगलोर और दिल्ली सबसे पहले करते हैं और देखते हैं। उससे पहले कुछ छोटा मोटो व्लॉगिंग करूँगा। गोप्रो आई हैव गॉट वन 70 किलोमीटर का रफ्तार शूट करते हैं, और 70-75 के रेशियो में 2000 किलोमीटर, विच इज़ लाइक मोर देन ट्रेन। सो या दैट वॉज द राइड। तो अभी एक मुझे मोटो व्लॉग का एक गियर मिल गया, दैट इज़ मुझे गोप्रो मिला एक, बट दैट इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी, हिज नेम इज़ बेन, बट आई विल बाय हीरो 7 फर्स्ट, मैं इसको चेक करता हूँ कैसा क्या है, देन आई विल बाय हीरो 7। एंड या मोटो व्लॉगिंग भी यू विल बी सीइंग वेरी सून ऑन माई चैनल, मोटो व्लॉगिंग, कार व्लॉगिंग। सो बेंगलोर का ट्रिप प्लान्ड है, दिल्ली का प्लान्ड है, स्टे कनेक्टेड टू सी द व्लॉग। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल व्लॉग वेयर डैड रोड माई फर्स्ट सेल्फ अर्न्ड बाइक, एंड यस दैट्स ऑल। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ बांटते रहिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए और पॉजिटिव चीज़ों को गले लगाइए, दिस इज़ आवर द लाइफ रन्स। टाटा बोल दीजिए, बाय बाय।